डिंडवाड़ा में बास्केटबॉल संघ और श्रीकांत क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 72वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। डिंडवाड़ा विधायक चेतन डूडी ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 2 के बास्केटबॉल मैदान में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्थान बास्केटबॉल संघ और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह राठौर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इससे सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर इस दरमियान स्वागत किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग की कुल 55 टीमें शामिल हो रही है और प्रतियोगिता का समापन 5 सितंबर को होगा। सरकार आप लोगों ने महसूस किया होगा 2% का आरक्षण खेल के बच्चों को दे दिया, जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को 2% राजस्थान के सरकार ने नौकरी में आरक्षण दिया है और आप नतीजा देखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो DYSP बन के पद पे बैठे, दो तो मुझे मिले थे काम, हम लोग खेल के माध्यम से हम लोग आज DYSP है। कितने बच्चों को नौकरियां दे दी है, जितने बच्चे खेलते हैं खिलाड़ी हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि खेल मात्र इसलिए नहीं है कि खेल की भावना हो, हम लोग आपस में अपना शारीरिक ध्यान रखें। इसके अलावा राजस्थान की सरकार से ये तय कर दिया कि आप लोग अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं खेल में तो आप DYSP बन सकते हैं, आप और नौकरियों के अंदर जो रिजल्ट